हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। हाउ डू दिस सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स। अब ये सोशल डिवीज़न हमने पढ़ चुका है, फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि सोशल डिफरेंस हमारा कई तरीके से हो सकता है समाज के अंदर, धर्म की वजह से, जात की वजह से, हमारा स्किन कलर की वजह से, जेंडर की वजह से, हम लैंग्वेज क्या बोलते हैं इस हिसाब से सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं। जब यही डिफरेंस ओवरलैपिंग हो जाते हैं, ओवरलैपिंग वाला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कौन से होते हैं, तो यानी दो डिफरेंस एक साथ मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो ये समाज को डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल डिवीज़न। तो यहाँ यही बात हो रही है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, यानी जो समाज बटा हुआ है उस पर पॉलिटिक्स करना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डू दी सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स, ये जो सोशल डिवीज़न है ये पॉलिटिक्स पर कैसा असर डालते हैं। What does politics do to these social division? Politics यानी राजनीति इन social division के साथ क्या करती है? At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. पहली नज़र में जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो politics है और social division, इसको हमने combine कर दिया, मिला दिया। मिलाने का मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स के अंदर सोशल डिवीज़न को लेकर आने लगे, हाँ, धर्म की बात करने लगे पॉलिटिक्स में, जात की बात करने लगे, जेंडर की बात करने लगे। तो पहले देखने में एक बार आपको लगेगा ये तो बड़ा डेंजरस है, बड़ा ही खतरनाक है और बहुत ही विस्फोटक है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके बीच कॉम्पिटिशन होता है, हर कोई चाहता है मुझे ज़्यादा वोट मिले, मेरी सरकार बने, हम इलेक्शन जीते। दियर कॉम्पिटिशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। अब उनके कॉम्पिटिशन की वजह से कोई भी सोसाइटी बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि अगर इसी सोशल डिवीज़न को उठा लिया और अपनी राजनीति के अंदर ले आए तो फिर समाज बढ़ जाएगा। तो उनको कॉम्पिटिशन क्या करता है, किसी भी सोसाइटी को बांट सकता है। इफ़ दे स्टार्ट कॉम्पिटिटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न, इट कैन मेक सोशल डिवीज़न इन टू पोलिटिकल डिवीज़न एंड लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर उनका कॉम्पिटिशन जो पहले से ही समाज में डिवीज़न है, यानी समाज, हर समाज धर्म के आधार पर बटा है, कोई स्किन कलर के बेसिस पर बटा हुआ है, जेंडर की वजह से समाज तो बटा हुआ है, ठीक है, तो उसको उठाकर अगर राजनीति करने लगे, उसको पॉलिटिक्स के अंदर ले आए तो क्या होगा, यानी जो पहले से है सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न, यानी एक तो होता है कि नए तरीके से समाज को बांट देना, कोई ऐसी बात उठाना जिस पर जो है समाज बढ़ जाए, और एक है पहले से जो हमारे अंदर डिवीज़न है, धर्म तो बहुत पहले से ही है और धर्म के बेसिस पे तो हमेशा से समाज बटा रहा है, तो इसी तरीके से कलर की बेसिस पे भी रहा है, जात की वजह से भी रहा है, तो इसी को उठाकर अगर पॉलिटिक्स में लाए तो क्या होगा, तो ये सोशल डिवीज़न पॉलिटिकल डिवीज़न हो जाएगा। पॉलिटिकल डिवीज़न का मतलब ये है कि जो पार्टी जिस धर्म की तरफ जाएगी या जिस कास्ट को पॉलिटिक्स में उठाएगी, वो कह जाएगी भैया ये इस धर्म की पार्टी है या इस कास्ट की पार्टी है या इस स्टेट वालों की पार्टी है। तो क्या होगा, सोशल डिवीज़न जो पहले धर्म और क्या कहते हैं कास्ट कलर ये सब सोशल डिवीज़न था, अब क्या हो गया, वो पार्टी में बढ़ गया तो पॉलिटिकल डिवीज़न हो गया। और फिर क्या होगा, इसकी वजह से लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा होगा, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, और हिंसा होगी और यहाँ तक कि देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। दिस हैज़ हैपेंड इन मैनी कंट्री, और ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है। रेंज ऑफ आउटकम्स, यानी ये सोशल डिवीज़न की अगर पॉलिटिक्स की गई, सोशल डिवीज़न को पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया तो क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं, क्या रेंजेस हैं उसकी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रेंज ऑफ आउटकम्स यानी उसके नतीजे की क्या क्या रेंज, यानी कितने तरह के क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं सोशल डिवीज़न को पॉलिटिक्स में लाने के लिए। टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयलैंड दैट वी रिफर्ड अबव। नॉर्दर्न आयलैंड के बारे में हम चलिए बात करते हैं। दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स। ये जो नॉर्दर्न आयलैंड है ना, अगर मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुनने में भी लगता है कि आयरलैंड का पार्ट है, बल्कि आयरलैंड का पार्ट नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम में कई कंट्री आती हैं, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा है, तो ये चार को मिलाकर क्या बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो नॉर्दर्न आयरलैंड वो अलग आयरलैंड में है, समुंदर से बटा हुआ है, और जो इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है ये सब एक ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड वो आयरलैंड से मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो आयरलैंड का हिस्सा नहीं है ना, बल्कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था जबकि बात हो रही है और अभी भी है। दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी
years the site of violent and bitter ethno-political conflict. ये जो था ना नॉर्दर्न आइलैंड, यहाँ सालों से क्या चल रहा था, यहाँ पर दंग हिंसा चल रही थी और जो है ये इथनो पॉलिटिकल यानी जात पात के नाम पर झगड़ा चल रहा था. इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. इसकी जो पॉपुलेशन थी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो दो हिस्सों में बटे थे क्रिश्चियनिटी के. 53% आर प्रोटेस्टेंट वाइल 44% आर रोमन कैथलिक. अब इसमें क्या है, 53% जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट हैं और 44% वो रोमन कैथलिक है. इन दो हिस्सों में यहाँ की पॉपुलेशन बटी है, या तो वो क्रिश्चियन ठीक है प्रोटेस्टेंट सेक्शन के हैं या फिर रोमन सेक्शन के हैं. द कैथलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी हु डिमांडेड द नॉर्दर्न आयरलैंड टू बी यूनिफाइड विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अ प्रिडोमिनेंटली कैथलिक कंट्री. अब जो ये कैथलिक हैं उनको जो उनकी जो अपनी पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी है और वो चाहते हैं कि हम आयरलैंड के साथ मिले रहें. क्यों? क्योंकि आयरलैंड में कैथलिक ज़्यादा हैं. अगर हम आयरलैंड के साथ मिल जाएं, क्योंकि पहले से यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ना, तो वो ये चाहते हैं कैथलिक, और कैथलिक लोगों ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम नेशनलिस्ट पार्टी है. तो नेशनलिस्ट पार्टी या कह लें कैथलिक लोगों की पार्टी ये चाहती है कि हमको आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए क्योंकि वहाँ कैथलिक ज़्यादा हैं, हम भी मिल जाएंगे तो हम भी ज़्यादा हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो हमारा सही रहेगा. द प्रोटेस्टेंट वर रिप्रेजेंटेड बाई यूनियनिस्ट हु वॉन्टेड टू रिमेन विद द यूनाइटेड किंगडम विच इज़ प्रेडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट. अब जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं 53% उनकी पॉपुलेशन है, वो उनकी जो पार्टी इन्होंने बनाई वो कौन सी है, यूनियनिस्ट. अब इसको नाम को याद रखने के लिए बहुत आसान है. यूनियन क्या है, हम बनाते हैं जोड़ने के लिए कि जुड़ा रहे, यूनियन बनाते हैं ना. तो ये चाहते हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम से जुड़े रहें, अलग ना हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं तो हमारा सही रहेगा. यानी कैथलिक ये चाह रहे हैं कि आयरलैंड के साथ मिल जाएं क्योंकि आयरलैंड में कैथलिक ज़्यादा हैं तो और हम लोग मिलकर ज़्यादा हो जाएंगे. प्रोटेस्टेंट चाह रहे हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ मिले रहें ताकि, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वैसे ज़्यादा हैं, मिले रहेंगे तो हमारा सही रहेगा. हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर किल्ड इन द फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट. सैकड़ों जो है आम नागरिक जो है और मिलिट्री लोग और सिक्योरिटी फोर्सेज वाले इस लड़ाई में मर गए जो यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में हुई थी. एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड नेशनलिस्ट, और जो यूनाइटेड किंगडम की सिक्योरिटी फोर्सेज थी उनके बीच और नेशनलिस्ट के बीच, तो ये पूरा दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा चल रहा था. इट वॉज ओनली इन 1998 दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट. ये 1998 में जाकर क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट थी एंड द नेशनलिस्ट रीच्ड अ पीस ट्रीटी आफ्टर विच लेटर सस्पेंडेड दियर आर्म स्ट्रगल. 1998 में आकर वो ये हुआ कि भाई देखो लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है, आओ मिलकर बात करते हैं, और एक जो है शांति समझौता उन्होंने तय किया और उन्होंने अपना हथियार, जो हथियार उठा लिए थे उसको रख दिया. इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग. लेकिन यूगोस्लाविया दूसरा एक कंट्री है, वहाँ पर इतने अच्छे से ये बात ख़त्म नहीं हुई. यहाँ तो हुआ भाई, बात हुई और बात के बाद जो है शांति हो गई, समझौता हो गया, लेकिन यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हुआ. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन्स लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इंटू सिक्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अब यहाँ क्या हुआ, पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया धर्म के बेसिस पर, जात के बेसिस पर, कि यूगोस्लाविया को 6 अलग अलग देशों में टूटना पड़ा. सच एग्जाम्पल लेड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स. अब ये सब बात सुनकर कुछ लोग को दिमाग में ये बात आएगी और वो ये सोचेंगे और इसका ये रिजल्ट निकालेंगे, यार पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन को मिलाना नहीं चाहिए. पॉलिटिक्स अपना अलग है, उसको अलग करते रहें देश के भले के लिए, लेकिन उसके अंदर सोशल डिवीज़न की बात नहीं उठनी चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए इसको. दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिवीज़न इन कंट्री. बल्कि वो लोग ये सोचेंगे, और हम भी इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद यही समझेंगे ना कि भाई मिलना नहीं चाहिए. तो दे थिंक दैट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिवीज़न इन ए कंट्री. यानी सोशल डिवीज़न कोई हो ही ना देश के अंदर, वो ये चाहेंगे. इफ़ सोशल डिवीज़न डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स. पहली बात तो हो ही ना सोशल डिवीज़न कोई, और अगर हो तो उसको पॉलिटिक्स के अंदर ना लाया जाए. एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन अ पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिज़ास्टर.
ये बात भी हमें समझ लेनी है कि हर सोशल डिवीज़न का जो असर है, मतलब जो हम पॉलिटिक्स के अंदर लाएंगे उसका इफ़ेक्ट, वो नुकसान नहीं देता, वो तबाही नहीं लाता। जिस तरह हमको शुरू के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद ही पता चला ना कि सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स में आया तो नुकसान होगा, तो यहाँ ये कह रहा है कि हर जो सोशल डिवीज़न को पॉलिटिक्स में लाने से नुकसान नहीं होता, कुछ चीज़ों से हो सकता है लेकिन हर के नहीं। जैसे अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, जेंडर को पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर को कितना लाया गया, जो है वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ कि जो फीमेल को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी एजुकेशन में भी और जॉब में भी, तो उसको पॉलिटिक्स में लाया गया और उसके बाद देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये तो फ़ायदे वाली चीज़ हो गई, अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिवीज़न ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम देख चुके हैं कि सोशल डिवीज़न जो है एक तरह के या कई तरह के जो है बहुत सारे देशों के अंदर है। वेन एवर दे एग्जिस्ट दे दीज डिवीज़न आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। और जब ये सोशल डिवीज़न होते हैं कहीं पर तो वो पॉलिटिक्स के अंदर दिखते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वो टॉक अबाउट दीज, यानी डेमोक्रेसी के अंदर ये बात नेचुरल है, कोई ऐसे हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल आम बात है, नेचुरल बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो टॉक अबाउट दीज डिवीज़न, इन डिवीज़न की बात करें। पॉलिटिकल पार्टीज तो करती हैं, मेक डिफरेंट प्रोमिसज टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ अलग अलग वादे करना, लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, यानी अलग अलग कम्युनिटीज़ का जो है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक जगह पर हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ जाकर पॉलिटिकल पार्टी ये बात करती है कि भाई देखो तुम्हारे में से हिंदू कैंडिडेट हम खड़ा कर देंगे, या कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पार्टीज़ क्या करती हैं, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि देखो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा ही आदमी कर रहा है, जिसको कहते हैं लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक प्रोमिसज टू रिड्यूस द ग्रीवियंस ऑफ द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। और क्या करते हैं, उनकी जो है इस जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी वो होती हैं जिनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया है हर तरह से, एजुकेशन के बेसिस पे देख लें, हेल्थ के बेसिस पे देख लें और जॉब के बेसिस देख लें, वो पीछे हैं, वो कम्युनिटी पीछे है, इतना जॉब में आगे नहीं है, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो इनके लिए क्या करते हैं, उनकी शिकायतों को पूरा करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, ये जाकर इस तरह से जो है वो उस कम्युनिटी के एक तरह से ही हो गए ना, इस डिवीज़न को भी पॉलिटिक्स में ही तो ले आए। अगर किसी कम्युनिटी के जाकर आप बात कर रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो आपका भला करेंगे और ऐसा वैसा करेंगे। सोशल डिवीज़न अफेक्ट वोटिंग इन मैनी कंट्रीज़, जो सोशल डिवीज़न है वो बहुत सारे देशों में वोटिंग पे भी असर डालती है, तो समझने वाली बात है, कुछ हम इसमें समझाने का है नहीं, हम जानते ही हैं कि वोटिंग पे कैसे असर डालते हैं। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रिफर सम पार्टी मोर देन अदर, एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी एक पार्टी को चुन लेते हैं कि भैया हमको इसी को वोट देना है, इस कास्ट वाले एक्स वाई जेड किसी कास्ट वाले हैं, वो सोच लिए कि भाई हमको इस पार्टी को देना है दूसरी पार्टी को नहीं देना है, तो एक पार्टी को प्रेफर करते हैं दूसरी पर। इन मैनी कंट्रीज़ देर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जो पार्टी है वो एक ही कम्युनिटी की बात करती है, उसी पर फोकस करती है। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी देश का बंटवारा नहीं होता। अब आप कहेंगे इतनी सब कुछ होने के बाद देश का बंटवारा नहीं होता, तो बंटवारा कैसे होता है, देश में दंगा क्यों होता है, देश के टुकड़े किस वजह से होते हैं, हमने पढ़ा यूगोस्लाविया में ऐसा क्या हुआ जो वहाँ देश टूट गया 6 टुकड़ों में। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 3 डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, यानी क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिजल्ट पर डिपेंड करेंगे, नतीजा निकलने पर। हमने पढ़ा अभी जो पिछला टॉपिक था क्या, रेंज ऑफ आउटकम्स, यानी सोशल डिवीज़न को पॉलिटिक्स में लाने से क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं और देश के टुकड़े हो सकते हैं, और आखिर होते होते हमने क्या पढ़ा कि भाई देश ऐसा भी हो सकता है देश ना टूटे, कोई दंगा ना हो। तो इस तरह से रिजल्ट निकलते हैं, तो वो ये रिज़ल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि किसी देश में दंगा होगा, झगड़ा होगा, या वो देश टूटेगा, या वो देश अमन शांति से रहेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न, 3 फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि अगर पॉलिटिक्स हो रही है सोशल डिवीज़न की तो उसके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, पहली चीज़ कि लोग अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को क्या समझते हैं। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट, अगर लोग अपनी पहचान को सिंगुलर माने, यानी
जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, हमने बताया था कि एक आदमी की कई पहचान हो सकती है, वो किस इलाके का रहने वाला है, किस धर्म का मानने वाला है, अब उस धर्म में किस जात का है, किस कास्ट का है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो एक आदमी की कई पहचान हो सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो किसी एक पहचान को ही अपना बनाकर चले कि भैया हम इस धर्म के हैं, हम इसी को मानते हैं, हाँ, तो क्या होगा, इसको कहते हैं सिंगुलर। एक ही पहचान को बड़ा बनाकर उसी को लेकर चलना, एंड एक्सक्लूसिव टर्म, और ये माने एक्सक्लूसिव टर्म मतलब अकेला माने, अलग माने, सॉरी, अलग माने कि ये जो हम हैं बिल्कुल दूसरों से अलग हैं, यही हमारी एक पहचान है, एक पहचान लेकर बैठ गया और कहा कि हम सबसे अलग हैं। तो फिर अगर ऐसा होगा तो भैया बहुत मुश्किल है चलना, फिर तो सोशल डिवीज़न बिल्कुल रह नहीं सकता, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके रहेगा। एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्दर्न आयरलैंड सॉ देमसेल्व एज कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट देयर डिफरेंसेस वर डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल। जब तक नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग अपने आप को कैथलिक या प्रोटेस्टेंट मानते रहे, यानी वही देखो पहचान जो है, एक तो क्रिश्चियनिटी वाली पहचान थी जिसमें कैथलिक प्रोटेस्टेंट एक होते मिल जाते कि भाई दोनों ही लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो लोग कैथलिक लेके बैठ गए और वो लोग प्रोटेस्टेंट लेके बैठ गए। तो कहा जब तक ये मानते रहे कि हम कैथलिक हैं प्रोटेस्टेंट हैं तो इसकी वजह से क्या हो गया, यानी हम अलग हैं तुमसे, तो अगर जब तक ये हो रहा था तो उनके डिफरेंस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इट इज़ मच ईजियर इफ़ द पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। यानी ये बहुत आसान हो जाता है अगर लोग अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को मल्टीपल तरह से माने, क्योंकि हमारी कई तरह पहचान है, तो सारी पहचान को माने और जहाँ से जुड़ सके हम एक दूसरे से और जुड़ जाएँ, और ये मानकर चले एंड कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी, और ये मानकर चले कि भैया देश तो हमारा सबका एक है, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, या एक्स वाई जेड किसी कास्ट के हो, काले हो, गोरे हो, मेल हो, फीमेल हो, लेकिन है तो हो तो ना एक ही देश के, तो ये मानकर चलो तो झगड़ा ही ना हो फिर। जैसा हमारे देश में होता है कि हम मानकर चलें कि हम इंडियन हैं, तो भाई हमको धर्म की दीवारें बांट नहीं सकते कि भाई तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, या एक्स वाई जेड किसी कास्ट के हो, लेकिन ये मानकर चलो हम तो इंडियन है ना, तो जुड़ जाएंगे हम सब आपस में। अ मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियन नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर डच और जर्मन स्पीकिंग। अब बेल्जियन के लोग अब क्या समझते हैं कि वो अपने आप को बेल्जियन ज़्यादा समझते हैं, बजाय इसके कि अपने आप को डच और जर्मन में बांटें, वो मानते हैं कि हम बेल्जियन हैं, चाहे डच बोलो चाहे जर्मन बोलो, है तो बेल्जियम, हम बेल्जियन के रहने वाले हैं। दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर, ये मदद करता है उनको साथ में रहने के लिए। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। हमारे देश में भी, इंडिया में भी ऐसे ही लोग अपनी पहचान को मानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, और भले ही अलग अलग कास्ट के हों वो अलग बात है। दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप और सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। यानी हम जो है क्या मानते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं, और ठीक है हम अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है और हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हम इंडियन हैं। तो ये पहली बात हो गई कि अपनी पहचान को किस तरह आप देखते हो। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। पॉलिटिकल लीडर किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को कैसे उठाते हैं। अब इलेक्शन तो एक ही पार्टी जीतेगी भाई, सरकार तो एक पार्टी की बनेगी, लेकिन इलेक्शन में कितने लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट कितने खड़ा करते हैं, पता चला 20 तरीके की पार्टी है पूरे देश के अंदर, तो वो लोग अलग अलग कम्युनिटी के वोट लेने के लिए अलग अलग उनकी डिमांड को उठाते हैं, तो वो कैसे डिमांड को उठा रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि नतीजा क्या निकलेगा सोशल डिवीज़न को पॉलिटिक्स में लाने का। इट इज़ ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स देर आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। ये आसान बात रहेगा, सोशल डिवीज़न को जगह मिल सकती है पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिक्स के अंदर सोशल डिवीज़न की बात कर सकते हैं, लोग अलग अलग कम्युनिटी की डिमांड को उठा सकते हैं, अगर आपकी डिमांड या उस कम्युनिटी की डिमांड इसको ये पॉलिटिकल लीडर उठा रहे हैं, ये संविधान के दायरे के अंदर है, यानी वो किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ नहीं जा रहा है, हमारे संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा है, और किसी दूसरे कम्युनिटी का इससे नुकसान नहीं हो रहा है, तब तो ठीक है भाई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम। द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वॉज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द आइडेंटिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। यानी जो श्रीलंका के अंदर ये बात उठी थी ना कि सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले ही रहेंगे और कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, तमिल नहीं बोली जाएगी, ये जो सिन्हाला बोलने का जो जोर दिया जा रहा था और मजबूर किया जा रहा था, ये क्या था, तमिल बोलने वालों का नुकसान था इसमें। अब जैसे यहीं पर इंडिया में है, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, अभी अगर लॉ बन जाए
कि भाई सबको बंगाली में या गुजराती में बोलना है, उसके अलावा कोई कुछ बात नहीं कर सकता। एग्ज़ाम में पेपर भी आपका गुजराती में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग सड़क पर आ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा। यानी हिंदी बोलने वालों के साथ आपने ये तो गलत कर दिया ना। तो ये जो डिमांड श्रीलंका में उठी थी सिन्हाला की, इसने क्या किया, तमिल वालों लोगों के लिए जो नुकसान पैदा कर दिया, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर दी। तो कहा अगर ऐसा हो जाएगा यानी दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुँचेगा तो क्या होगा, फिर इसका नतीजा ख़राब निकलेगा। इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ प्रेजेंटेड दियर डिमांड इन सच अ वे दैट दीज कुड नॉट बी एकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री। यूगोस्लाविया में क्या किया कि वहाँ के जो लीडर थे वो जात पात के नाम पर ऐसी डिमांड को ऐसी ऐसी उठाए जो एक देश के अंदर मुमकिन ही नहीं है। कोई कह रहा है ऐसा कर दो तो दूसरा कह रहा है उसका अपोजिट कह रहा है, तो इसलिए वो एक देश के अंदर तो लागू नहीं हो सकती थी जो उनकी डिमांड थी, इसलिए वो देश टुकड़े हो गया। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तीसरी बात, दो बात तो हमने पढ़ ली, अपनी आइडेंटिटी कैसे पहचानते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि जो लीडर हैं वो कैसे बात को उठाते हैं, तीसरा है कि गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के डिमांड को। यानी डिमांड तो उठा रहे हैं लीडर, अब सरकार जो बनी हुई है जो रूल कर रही है वो उनकी डिमांड पर कैसा क्या जवाब देती है और क्या एक्शन लेती है। एज वी सॉ इन द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में देख चुके हैं, इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। बेल्जियम श्रीलंका केस आप याद करिए, बढ़ चुके हैं। अगर जो रूलर है, जो पार्टी रूल कर रही है, वो पावर शेयरिंग को चाहती है यानी पावर शेयरिंग करती है, तो क्या और उनकी जो रीजनेबल डिमांड है अलग अलग कम्युनिटी की, जो उनकी डिमांड है वो उसको पूरा करती है, तो क्या होगा, सोशल डिवीज़न बिकम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। तो समाज जो बटा हुआ है वो देश के लिए खतरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए कम खतरा हो जाएगा। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच आ डिमांड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, लेकिन अगर वो दूसरों की डिमांड को दबाना चाहेंगे देश की एकता के लिए, कि भाई देश एक रहेगा, तुम कैसे कह रहे हो सिन्हाला एक भाषा, फॉर एग्जांपल कि देश एक रहेगा सिन्हाला ही भाषा बोली जाएगी, देखने से तो लग रहा है भाई एक ही भाषा बोली जाएगी, देश कितना जुड़ा रहेगा, दो तीन भाषा बोलने से अच्छा है कि देश में एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक ही तरह के लोग हों, तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या होगा कि ये जो दूसरी डिमांड को, दूसरे कम्युनिटी की डिमांड को और उनके कल्चर को आप दबा रहे हो देश की एकता के नाम पर, फिर क्या होगा, द एंड रिजल्ट इज़ ऑफन क्वाइट द अपोजिट। लेकिन नतीजा निकलेगा, आप तो देश को जोड़ना चाह रहे हो लेकिन उसका नतीजा ठीक उल्टा निकलेगा। सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये जो मजबूर करके और दबाव डालकर जो जोड़ा जा रहा है ना, समाज को जोड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, ये बल्कि ये बीज बो देगा देश को तोड़ने की। दस द एसर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन अ कंट्री नीड नॉट टू बी सीन एज सोर्स ऑफ डेंजर। इसीलिए जो सोशल डाइवर्सिटी पर जोर दिया जा रहा है, उस सोशल डाइवर्सिटी पर जो बात की जा रही है देश के अंदर, इसे हम खतरे की तरह नहीं मानना चाहिए हमें। देखिए इस चैप्टर को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत डेप्थ के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बीच लाइन से उठकर चला आता है। अभी इसी साल यही क्वेश्चन आया था, यही वाली लाइन से था, असर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन अ कंट्री नीड नॉट टू बी सीन एज अ सोर्स ऑफ डेंजर। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। इस पर कमेंट करिए, इसको एक्सप्लेन करिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया था बीच से उठकर। तो अपने चैप्टर को अगर अच्छे से डेप्थ के साथ नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे आंसर दोगे। तो इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, पॉलिटिक्स का प्रभाव है, सोशल डिवीज़न का असर जो पॉलिटिक्स में दिखता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इसको बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए कि अरे आप कैसे किसी धर्म की बात कर रहे हो पॉलिटिक्स के अंदर, किसी जात की बात कर रहे हो, एक नॉर्मल चीज़ है और बल्कि फ़ायदे वाली चीज़ है। फ़ायदा कैसे है दिस, इसको हम पढ़ेंगे अभी। दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंस। अब ये जो क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, 20 साल आया था बोर्ड में, उसका आंसर यहीं शुरू होता है। कहाँ से, इन अ दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज ग्रुप। अभी जो कह रहा है हेल्दी है, नॉर्मल है, इसकी वजह क्या बता रहा है, वो ये कि बहुत सारे जो डिसएडवांटेज ग्रुप, हम बता चुके हैं पहले भी डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली है। एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप, मार्जिनल क्या होता है, ये मार्जिन से वर्ड बना है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन कहीं खींच देते हो तो कहते हो भाई इसके अंदर चीज़ रहनी चाहिए क्योंकि ये मार्जिन है। तो यानी वो सोसाइटी के वो लोग, मार्जिनल सोशल ग्रुप उन लोगों को कहते हैं जिनको
दूर कर दिया गया है समाज से किसी उनकी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे बहुत से लोग हैं उनकी समझ कम है तो लोग कहते हैं अरे ये पागल है, तो समाज से दूर कर दिया। कोई चल नहीं सकता तो उसको समाज से दूर कर दिया, सुन नहीं सकता। इस तरह से जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको अक्सर लोग अपने से दूर कर देते हैं, समाज से दूर कर देते हैं। तो अगर इनकी बात, ये भी एक तरह से कम्युनिटी बन गई फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों की, अगर इनको पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे तो उनका कितना नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात कह रहा है कि इसको उठाना हेल्दी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो दिस अलाउ वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस दियर ग्रीवियंस एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड दीज इशूज। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर इनकी बात नहीं उठाई जाएगी इनको कोई मदद ही नहीं करेगा। तो अगर इनकी बात को और इनकी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट उठाएगी, ये कम्युनिटी जो है मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, तो फिर क्या होगा, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और गवर्नमेंट इनकी प्रॉब्लम को देखेगी। एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशल डिवीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन देयर कैंसिलिंग वन अनदर आउट। यानी एक पॉलिटिक्स के अंदर अगर अलग अलग तरह के सोशल डिवीज़न आ गया तो क्या होगा, वो एक सोशल डिवीज़न दूसरे को काट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पर किसी कम्युनिटी के लोग हैं तो जाकर उनसे उनकी भलाई का वादा कर लिया कि भाई आपके लिए हम ऐसा कर देंगे, दूसरी जगह दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे कास्ट के लोग हैं, उनके पास जाकर उन्हीं के बीच में कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया इलेक्शन में और उनसे वादा कर लिया कि आपके लिए हम ऐसा ऐसा कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, सोशल डिवीज़न अलग अलग तरीके का, वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देता है। देखने से तो लगेगा कि यार वहाँ जाकर इस कम्युनिटी की बात की उन्होंने, लेकिन देखो दूसरी जगह जाकर दूसरी कम्युनिटी की बात की, तो इस तरह से टोटल सबकी बात हो गई और सबका भला हो गया। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड दस रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, और उसके इफेक्ट को कम कर देता है, जो सोशल डिवीज़न का इफेक्ट पड़ने वाला सोसाइटी का वो कम हो जाता है। दिस लीड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इसकी वजह से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाती है। बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूअर्ड डाइवर्सिटी एंड अ विलिंगनेस टू अकोमोडेट इट डू नॉट कम अबाउट ईजी। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आता कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। देखते हैं आए दिन झगड़ा होता रहता है लोगों के बीच में, डिवीजन्स को लेकर, अलग अलग धर्म के बीच में, कास्ट के बीच में। तो कहा ये इतना आसान नहीं है कि लोग एक साथ रहें और इस तरह सोचें जिस तरह से हम बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कर लोगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह सोचना आसान नहीं। पीपल हु फील मार्जिनलाइज, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। वो लोग जिनको मार्जिनलाइज किया गया है यानी समाज से दूर किया गया है और उनको किस तरह से परेशान किया गया है, वंचित किया गया है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित करना यानी किसी फैसिलिटी से दूर कर देना, और डिस्क्रिमिनेटेड यानी उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको इस अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। सच अ फाइट ऑफन टेक्स अ डेमोक्रेटिक पाथ, और ये जो लड़ाई है ये अक्सर एक डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाती है। वॉइसिंग देयर डिमांड इन स्पेसिफिक पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड सीक अ फेयर पोजिशन थ्रू इलेक्शन। और क्या करते हैं, अपनी बात को उठाने के लिए अपनी पार्टी बनाया है, अपने कैंडिडेट खड़ा किया इलेक्शन के अंदर, और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तरीके से एक सही तरीके से इलेक्शन के जरिए आप अपनी बात को पावर देना चाहते हैं। यानी आप पावर में आएंगे तो अपने हिसाब से आप कानून बना सकते हैं। तो इनजस्टिस से लड़ने के लिए एक तरीका तो ये होता है, समटाइम्स सोशल डिफरेंस कैन टेक द फॉर्म ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। और कभी कभी क्या होता है, ये सोशल डिफरेंस क्या होता है, एक कबूल न किए जाने वाला तरह का, जब इनजस्टिस होने लगता है और बराबरी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है, जब इस तरह से किसी कम्युनिटी को परेशान किया जाता है तो क्या होगा, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटी समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ वायलेंस। तो जब इतना भेदभाव होने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जब भेदभाव, तो क्या होगा, तो फिर जो है हिंसक हो जाती है ये लड़ाई। एंड डिफेंस ऑफ स्टेट पावर, और जो स्टेट पावर है, रूलिंग जो पार्टी है, उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। हाउएवर हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। यानी इतिहास गवाह है कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है, डेमोक्रेसी के जरिए अपनी लड़ाई को लड़ो, इलेक्शन के जरिए, जो फेयर जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसके हिसाब से लड़ो, यही सबसे बेस्ट तरीका है, ये इतिहास बताता है हमारा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।